आवेशों के निकाय के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, किसी आवेशों Q1, Q2, Q3, Q4, Qn के ऐसे निकाय पर विचार कीजिए जिनके किसी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2, R3, Rn हैं, जैसा कि संलग्न चित्र में बताया गया है। संलग्न चित्र में बिंदु P पर अलग अलग दूरियों R1, R2, R3, R4, Rn पर आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, Qn हैं। इसलिए बिंदु P पर Q1 आवेश के कारण विभव V1 बराबर 1/4πε0 Q1 बटे R1P, जहां R1P बिंदु P तथा बिंदु आवेश Q1 के बीच की दूरी है। इसी प्रकार बिंदु P पर आवेश Q2 के कारण विभव V2 तथा आवेश Q3 के कारण विभव V3 को भी व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए V2 बराबर 1/4πε0 Q2 बटे R2P तथा Q3 के कारण विभव V3 बराबर 1/4πε0 Q3 बटे R3P। यहाँ R2P तथा R3P बिंदु P की क्रमशः Q2 तथा Q3 से दूरियां हैं। इसी प्रकार हम अन्य आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव व्यक्त कर सकते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार समस्त आवेश विन्यास के कारण बिंदु P पर विभव V विन्यास के व्यष्टिगत आवेशों के विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अतः V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn। समीकरण 1, 2, 3 से मान रखने पर 1/4πε0 Q1 बटे R1P प्लस 1/4πε0 Q2 बटे R2P प्लस 1/4πε0 Q3 बटे R3P -1/4πε0 Qn बटे Rnp। 1/4πε0 कॉमन है, उभयनिष्ठ निकाल देंगे तो 1/4πε0 उभयनिष्ठ निकल गया, ब्रैकेट में आ गया Q1/R1P प्लस Q2/R2P प्लस Q3/R3P -Qn बटे Rnp। यदि हमारे पास आवेश घनत्व रो के लिए अभिलाक्षणिक गुण का कोई सतत आवेश वितरण है तो पहले की भांति हम इसे डेल्टा वी साइज के रो गुणे डेल्टा वी आवेश युक्त लघु आयतन अवयव में विभाजित कर सकते हैं। तब हम प्रत्येक आयतन अवयव के कारण विभव निर्धारित करके और समस्त योगदानों का योग करके समाकलित करके समस्त आवेश वितरण के कारण विभव ज्ञात कर सकते हैं। पिछले अध्याय में हम अध्ययन कर चुके हैं कि किसी एक समान आवेशित गोलीय खोल के कारण किसी बाह्य स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इस प्रकार होता है, मानो खोल का समस्त आवेश उसके केंद्र पर संकेंद्रित हो। अतः खोल के बाहर किसी बिंदु पर आवेशित कोश के कारण विभव V बराबर 1/4πε0 Q/R, जहाँ Q गोलीय खोल पर समस्त आवेश तथा कैपिटल R गोलीय कोश की त्रिज्या है। यहाँ स्मॉल r ग्रेटर देन r इक्वल टू कैपिटल R है। कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इससे यह पता होता है कि खोल के भीतर विभव नियत रहता है, क्योंकि खोल के भीतर आवेश को गति कराने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता और इसलिए यह खोल के पृष्ठ के विभव के समान होता है। V बराबर
वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बटे कैपिटल आर। देखिए हमारे को पानी की बहुत सारी छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बनाना है, तो बड़ी बूंद बनाने पर विभव का मान कितना होगा इसको हम निकालेंगे। पानी की एक समान एन छोटी बूंद पर एक समान आवेश स्मॉल क्यू है तथा त्रिज्या स्मॉल आर है, इससे एक बड़ी बूंद बनाना है। जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तो विभव कितना होगा? तो आप सबको मालूम है कि जब छोटी चीज़ से कोई बड़ी चीज़ बनाते हैं तो उनके आयतन बराबर होते हैं, तो बड़ी बूंद का आयतन बराबर एन छोटी बूंद का आयतन। बूंद गोलाकार होती है तो यहाँ पर गोले के आयतन का सूत्र लगाएंगे, चार पाई बटे तीन आर क्यूब बराबर एन गुणित, छोटी बूंद भी गोलाकार होगी उसके आयतन का सूत्र लगाएंगे, गोले के आयतन का सूत्र होता है चार पाई बटे तीन पाई आर क्यूब। क्यों लगा रहे? तो आपको कारण बताया कि बूंद क्या होती है, गोलाकार है, चार पाई बटे तीन चार पाई बटे तीन हट जाएगा, इसलिए r की घात तीन बराबर n गुणित आर क्यूब या कैपिटल R बराबर n की घात एक बटे तीन इंटू आर। तो इस प्रकार से R का मान निकला। बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल Q बराबर n छोटी बूंदों को जोड़ें, हर छोटी बूंद पर आवेश आप लिखें स्मॉल क्यू है तो n इंटू क्यू। एक छोटी बूंद का विभव हमने गोलाकार चालक के विभव का सूत्र पढ़ा, v बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। छोटी बूंद के विभव को हम स्मॉल क्या है v डैश लिख देते हैं। बड़ी बूंद का विभव क्या हो जाएगा? इस प्रकार से बड़ी बूंद का विभव कैपिटल वी बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बटे आर। समीकरण एक व दो से मान रखने पर इस तरह v इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q का मान रखा हमने समीकरण दो से n इंटू क्यू, स्मॉल r के पदों में कैपिटल R का मान रखें तो आपका हो जाएगा n टू दी पावर वन बाई थ्री इंटू स्मॉल r, इसलिए v इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट n की घात एक माइनस एक बटे तीन क्यू बटे आर। वी इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एन टू दी पर इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा टू बाई थ्री क्यू अपॉन आर। ये जो राशि है आप देख रहे हैं वी डैश का मान था, छोटी बूंद का विभव था, इसलिए बड़ी बूंद का विभव बराबर एन की घात दो बटे तीन गुणित वी डैश। इस तरह आप देख रहे हैं बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के विभव का n की घात
दो बटे तीन गुना होगा, अर्थात बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के विभव का एन की घात दो बटे तीन गुना होगा। इसी प्रकार आप धारिता भी निकाल सकते हैं। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव नियत रहता है। किसी एकल आवेश Q के लिए विद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 Q अपान R। इससे यह प्रकट होता है यदि R नियत है तो V नियत रहता है। इस प्रकार किसी एकल आवेश के लिए सम विभव पृष्ठ सकेंद्री गोले होते हैं जिनके केंद्रों पर वह आवेश स्थित होता है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं बहुत सारे सकेंद्री वृत्त हैं और बीच में आवेश क्यू रखा हुआ है। अब किसी एकल आवेश क्यू के लिए विद्युत बल रेखाएं आवेश से प्रारंभ होने वाली धनावेश के केस में अथवा उस आवेश पर समाप्त होने वाली ऋण आवेश के केस में सरल रेखाएं होती हैं। स्पष्ट है कि किसी समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदैव ही उस बिंदु पर अभिलंबत होता है, जैसा कि संलग्न चित्र 3 में दिखाया गया है। यह व्यापक रूप से सत्य है कि किसी भी आवेश विन्यास के लिए किसी भी बिंदु से गुजरने वाला समविभव पृष्ठ उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अभिलंबत होता है। जैसे आप देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र ही यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं और ये जो आप देख रहे हैं उसके लंबवत कट्स ये समविभव पृष्ठ को बता रहे हैं। यह विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत नहीं है। यदि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत नहीं है तो इस क्षेत्र का पृष्ठ के अनुदेश कोई शून्येतर घटक होगा। किसी एकांक परीक्षण आवेश का क्षेत्र के इस घटक की विरुद्ध दिशा में गति कराने के लिए कुछ कार्य कराना आवश्यक होगा, परंतु यह किसी समविभव पृष्ठ की परिभाषा के विरुद्ध है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच कोई विभवांतर नहीं होता क्योंकि दोनों बिंदुओं पर विभव समान होता है तथा इस पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को गति कराने के लिए कोई कार्य करना आवश्यक नहीं होता। अतः किसी समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। समविभव पृष्ठ किसी आवेश विन्यास के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के दृश्यों के वैकल्पिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। किसी अक्ष के अनुदिश, मान लीजिए एक्स अक्ष के अनुदिश किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई के लिए समविभव पृष्ठ एक्स अक्ष के लंबवत अर्थात वाई जेड तल के समानांतर होंगे, जैसा कि संलग्न चित्र में। संलग्न चित्र में ए किसी विद्युत द्विध्रुव तथा पी दो समान धन आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ तथा विद्युत रेखाएं दर्शाई गई हैं। समविभव पृष्ठ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ के निम्न गुण है, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। किसी आवेश को पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य होता है। पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। विद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ के
अभिलंबवत होती हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। आइए अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी आपने V का सूत्र देखा था, V इक्वल टू 1/4πε0Q/r। इसका R के सापेक्ष अवकलन करने का तो आपका हो जाएगा dV/dr बराबर d/dr 1/4πε0Q/r। अब देखिए ये नियतांक है, इसको बाहर कर देंगे, 1/4πε0Q/dr r की घात -1, r नीचे है ऊपर ले गए तो -1 हो गया। अब देखिए इसका अवकलन करिए, आपका सूत्र है d/dx x^n बराबर n(x^n-1) तो आपका हो जाएगा 1/4πε0Q-1r^-1-1 तो -1/4πε0Q r^-2 को नीचे ला दीजिए, -1/4πε0Q/r² या -dV/dr बराबर 1/4πε0Q/r² किंतु आप जानते यही तीव्रता का सूत्र है, यही बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र होता है, तो इसलिए -dV/dr बराबर E, या सदिश रूप में E बराबर dV/dr या E डॉट dr इक्वल टू dV। तो आपका हो गया विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी। तो ये महत्वपूर्ण संबंध है विभवांतर का तीव्रता और दूरी के साथ। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच यदि आपको विभव चाहिए तो इस प्रकार से अपन निकालते हैं। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, जैसे कोई बिंदु है, बिंदु ए पर विभव V है, दूसरे बिंदु B पर विभव V प्लस dV है, एक बिंदु A है यहाँ पर विभव V है, और ये dr दूरी पर कोई बिंदु B है जहाँ पर विभव V प्लस dV है, तो यहाँ पर तीव्रता कैसे निकलेगी ये हमने आपको बताया है। तो ये था विभवांतर और तीव्रता के बीच की दूरियों का संबंध। तो इस प्रकार से आपने किसी बिंदु के कारण कैसे विभव निकलता है ये आपने देखा। इस प्रकार हम विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव से संबंधित दो महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। पहला, विद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहां विभव में सर्वाधिक हानि होती है। दूसरा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण उस बिंदु पर समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत विभव के परिमाण में प्रति एकांक विस्थापन परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। पहले हम एक सरल प्रकरण पर विचार करते हैं जिसमें किसी मूल बिंदु के सापेक्ष r1 तथा r2 स्थिति सदिशों वाले दो आवेश q1 तथा q2 हैं। आइए इस विन्यास के निर्माण में किए गए कार्य की गणना करें। इसका अर्थ यह है कि पहले आरंभ में हम दोनों आवेशों
Q1 तथा Q2 को अनंत पर माने तथा बाद में बाह्य एजेंसी द्वारा इन्हें वर्तमान स्थितियों तक लाने में किए गए कार्य की गणना करें। मान लीजिए हम पहले आवेश Q1 को अनंत से बिंदु R1 तक लाते हैं। चूंकि इस स्थिति में कोई बाह्य क्षेत्र नहीं है जिसके विरुद्ध कार्य करने की आवश्यकता पड़े, अतः Q1 को अनंत से R1 तक लाने में किया गया कार्य शून्य है। यह आवेश दिक् स्थान में एक विभव V1 उत्पन्न करता है। V1 बराबर 1/4πε0 Q1/R1P। यहाँ R1P दिक् स्थान के किसी बिंदु P की Q1 की स्थिति से दूरी है। विभव की परिभाषा से आवेश Q2 को अनंत से R2 तक लाने में किया गया कार्य R2 पर Q1 द्वारा विभव का Q2 गुना होगा, इसलिए Q2 पर किया गया कार्य 1/4πε0 Q1×Q2/R12। यहाँ R12 बिंदु 1 तथा 2 के बीच की दूरी है। चूंकि स्थिर विद्युत बल समरक्षी है, यह कार्य निकाय की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः दो आवेशों Q1 तथा Q2 के निकाय की स्थिति ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 Q1×Q2/R12। स्पष्ट है कि यदि पहले Q2 को उसकी वर्तमान स्थिति पर लाया जाता है और तत्पश्चात Q1 को लाया जाता तो भी स्थिति ऊर्जा U इतनी ही होती। अधिक व्यापक रूप से समीकरण U बराबर 1/4πε0 Q1×Q2/R12 में दर्शाया गया स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक सदैव ही अपरिवर्तित रहता है, चाहे निर्दिष्ट स्थानों पर आवेशों को किसी भी प्रकार से लाया जाए। यह स्थिर विद्युत बलों के लिए कार्य की पथ स्वतंत्रता के कारण होता है। समीकरण U बराबर 1/4πε0 Q1×Q2/R12 में Q1 तथा Q2 के किसी भी चिन्ह के लिए सत्य है। यदि Q1 Q2 > 0 है तो स्थिति ऊर्जा धनात्मक होगी। यदि Q1 Q2 > 0 हैं, सजातीय आवेश हैं, तो सजातीय आवेशों Q1 Q2 > 0 के लिए स्थिर विद्युत बल प्रतिकर्षण होता है तथा आवेशों को अनंत से किसी परिमित दूरी तक प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध लाने में धनात्मक कार्य करना पड़ता है। इसके विपरीत विजातीय आवेशों के लिए स्थिर विद्युत बल आकर्षी होता है। इस प्रकरण में आवेशों को उनकी दी गई स्थितियों से अनंत तक इस आकर्षी बल के विरुद्ध ले जाने में धनात्मक कार्य करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में उत्क्रमित पथ अनंत से वर्तमान स्थितियों तक के लिए कार्य के ऋणात्मक परिमाण की आवश्यकता होती है, जिसके कारण स्थिति ऊर्जा ऋणात्मक होती है। समीकरण U बराबर 1/4πε0 Q1×Q2/R12 को आसानी से आवेशों के कितनी भी संख्या के लिए निकाय के लिए व्यापक बनाया जा सकता है। आइए अब हम तीन आवेशों Q1, Q2 तथा Q3 जो क्रमशः R1, R2 तथा R3 दूरी पर स्थित हैं, जैसा कि चित्र में के निकाय के स्थितिज ऊर्जा की गणना करें। पहले Q1 को अनंत से R1 तक लाने में कोई कार्य नहीं होता। तत्पश्चात हम Q2 को अनंत से R2 तक लाते हैं। पहले की भांति इस चरण में किया गया कार्य Q2V1R2 बराबर 1/4πε0 Q1×Q2/R12। आवेश Q1 तथा Q2 अपने चारों ओर विभव उत्पन्न करते हैं। किसी बिंदु P पर यह विभव V12 बराबर 1/4πε0 Q1/R1P प्लस Q2/R2P। आवेश Q3 को अनंत से बिंदु R3 तक लाने में किया गया कार्य R3 पर विभव V12 का Q3 गुना होता है, अतः Q3×V12R3 बराबर 1/4πε0 Q1×Q3/R13 प्लस Q2
इंटू क्यू थ्री बटे आर टू थ्री। आवेशों को उनकी दी गई स्थितियों पर एकत्रित करने में किया गया कुल कार्य विभिन्न चरणों में किए गए कार्यों का योग करने पर प्राप्त होता है। इसलिए U बराबर 1/4πε0 ब्रैकेट में क्यू वन क्यू टू बटे आर वन टू प्लस क्यू वन क्यू थ्री बटे आर वन थ्री प्लस क्यू टू क्यू थ्री बटे आर टू थ्री। यहाँ पर स्थिर विद्युत बल को संरक्षी प्रकृति के कारण स्थिति ऊर्जा U को अंतिम व्यंजक समीकरण 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू बटे आर वन टू प्लस क्यू वन क्यू थ्री बटे आर वन थ्री प्लस क्यू टू क्यू थ्री बटे आर टू आर थ्री को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि उसके क्रम पर निर्भर नहीं करता। स्थितिज ऊर्जा विन्यास की वर्तमान अवस्था का अभिलाक्षणिक गुण होता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इस विन्यास को किस प्रकार प्राप्त किया गया है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमने देखी थी, हमने उसका मात्रक जूल जाना था। यहाँ पर एक और मात्रक आता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यह ऊर्जा का एक नया मात्रक है जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है जब एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट पर त्वरित होता है तो उसकी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एक इलेक्ट्रॉन गुणित एक वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम गुणित एक वोल्ट और कूलाम गुणित वोल्ट जूल कहलाता है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6×10⁻¹⁹ जूल। इस तरह ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में संबंध हुआ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6×10⁻¹⁹ जूल। जैसे हम कहें ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब हुआ 100 इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट पर त्वरित होना या एक इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट पर त्वरित होना।